नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम जहाँ पे आए हैं वो है लाडवा गौशाला हरियाणा के हिसार के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आयुर्वेदिक तरीके से बनाई जाती है। एक तरह से आपको सारी चीज़ें नेचुरल मिलती है, यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, OPD की सुविधा है, डॉक्टर की है और बहुत सारी सुविधाएँ हैं। हमारे साथ मैनेजर साहब हैं यहाँ पे, शर्मा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पे मिलती हैं? लाडवा गौशाला की जो है ना 1991 से प्रयासत है जी, 91 की स्थापना है इसकी, और तभी से हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि गोधारित स्वावलंबी टिकाऊ खेती हो और पंचगव्य से निर्मित दवाइयाँ हो, पंचगव्य दूसरे उत्पाद हो, कॉस्मेटिक डोमेस्टिक जो आम आदमी की जरूरतें हैं, विदाउट केमिकल हो, जिनके साइड इफेक्ट ना हो। खेती भी हम बिना जहर की करवा रहे हैं। हमने बहुत सारे किसानों के साथ मिलकर के काम शुरू किया हुआ है, अनेकों किसान हमने जो क्लस्टर के रूप में जोड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से गाय का किसान के साथ मेल करवाना और गाय का आयुर्वेद के साथ मेल करवाना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है जी। इसी उद्देश्य को लेकर के हम शुरू में चले थे और इसी उद्देश्य के साथ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं जी। जिसके अंतर्गत हमने अनेकों बीमारियों की दवाई तैयार करी है यहाँ पे जी। जिसमें गौमूत्र को मुख्य रूप से बेस बनाया है और अन्य जड़ी बूटियां हैं जी, जो हमारे आमतौर पर हमारे फील्ड में मिलती हैं जी, और जिनसे बहुत से असाध्य रोगों की जो दवाई तैयार की जाती है यहाँ पे, जिसमें कैंसर HIV तक की प्रमुख है, जिसमें काफी लाभ पहुंचाती है। कैंसर HIV की जो दवाई तैयार की है वो दवाइयां कैंसर वाले को और HIV वाले व्यक्ति को बहुत लाभ पहुंचाती हैं। ये हमारे एक्सपेरिमेंट हमने काफी प्रैक्टिकल करके देखे हैं। बहुत सारे पेशेंट पहले से ठीक हुए हैं, जिसको 20 साल पहले कैंसर था आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है और एक अपनी साधारण जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तो ये गौ माता का चमत्कार है। इसमें गाय को हमने केवल धर्म से जोड़ करके नहीं देखा, गाय को हमने चारों चीजों से जोड़ करके देखा है, यानी सर्व सुख प्रदान करने वाली गौ माता। इसके अंदर सारे गुण विद्यमान है, उन सभी गुणों को निकाल करके बाहर और उनके विभिन्न पहलुओं पे काम करते हुए वो अलग अलग चीज हमने दर्शाने का काम किया है और पूरे विश्व को ये बताने का काम किया है कि गाय केवल एक एनिमल नहीं है। बहुत सारे लोग इसको एनिमल बुलाते हैं, एनिमल नहीं है, ये एक देवी है। देवी नाम इसका इसलिए रखा है, दात्री देने वाली है। प्रकृति में बहुत कुछ चीजें ये ऐसी प्रदान करवाती है जिनका बहुत महत्व है जी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ ये सिर्फ एक गौशाला नहीं है, पूरा संस्थान है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा पूरा एक बार दिखाएं यहाँ पे बैकग्राउंड में, और बहुत बड़ा यहाँ पे जो है सेटअप किया हुआ है, हर चीज़ का सेटअप किया हुआ है। सर यहाँ पे जो है कितने साल से आप ये गौशाला स्टार्ट है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं? ये मैंने बताया, इसकी स्थापना 4 अगस्त 1991 को हुई थी, यानी भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। हाँ जी, और जिसके संचालक जो प्रमुख थे हमारे प्रथम जो शुरू के, वो स्वर्गीय बलराज जी थे, बड़े मेहनती व्यक्ति थे, वो किसान नेता थे। और जो उद्देश्य थे वो मैंने बताया, किसान की जो समस्याएं थी वो मुख्य उद्देश्य था। गाय की जो समस्या मान रहे थे लोग कि गाय एक समस्या के रूप में लोगों के सामने आ गई थी सन 1984 के बाद, क्योंकि गाय ने जो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड द्वारा तैयार किया गया जो जो फीड गाय को मिला वो गाय ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे गाय का जो स्वभाव चेंज हो गया, गाय जो है ना उसका दूध कम हो गया, दूध कम देने लग गई। तो सारी चीजों में बदलाव आया। उस बदलाव की परिस्थिति को देखते हुए हमने वास्तविकता लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हमें जगह जगह पर डेमोंस्ट्रेशन दिए और अवेयरनेस कैंप लगाए कि गाय में क्या क्या है, इसको हम कैसे हम जो नहीं घर पे पालन करके एक बेरोजगार व्यक्ति, एक जो नहीं बिना दूध देने वाले गाय, अनप्रोडक्टिविटी जो होती है उससे 12,000 रुपये कम से कम कमा सकता है एक व्यक्ति जी। ये हमारी सोध है। ओके, तो अभी दोस्तों हम आपको जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निर्मित होती है, गैस प्लांट है, पूरा गैस प्लांट कैसे वर्क करता है वो सारा कुछ दिखाएंगे, और जो दवाइयाँ हैं वो भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे
पे पीछे जैसे कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं देसी घी यहाँ पे मिलता है, और इसके अलावा हवन के लिए स्पेशल धूप अगरबत्ती वगैरह चीज़ें बनाई जाती है, फेस वॉश बनाया जाता है यहाँ पे, और कील मुहासों के लिए दवाइयाँ बनाई जाती है, अलग अलग यहाँ पे फ्लेक्स के माध्यम से बताया गया है। और क्या क्या चीज़ें दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा देसी घी दिमाग को स्वस्थ रखने में काम आता है जी? हमारे कम 150+ प्रोडक्ट हैं जिसमें खाद्यान्न वस्तुएं और मेडिसिनल वस्तुएं, कॉस्मेटिक और डोमेस्टिक, इसके अलावा खेती के उत्पाद भी हमारे पास हैं। तो दोस्तों सभी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, और अभी हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में और उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी जो दवाइयां हैं यहाँ पे निर्माण किया जाता है उनका, और किस किस बीमारी में वो काम आती है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो गैस प्लांट वगैरह चीज़ें हैं यहाँ पे कैसे वर्क करती हैं, वो सब चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। दोस्तों अभी हमें यहाँ पे जो आयुर्वेदिक का मेडिकल स्टोर बनाया गया है जहाँ पे अलग अलग तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम वैद्य मोहन भट्ट जी। तो मोहन जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस किस चीज़ की दवाइयाँ अभी बनाई हुई हैं और किस किस तरह काम करती हैं? हमारे पास कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस बी, शुगर, पथरी, अस्थमा, ज्वाइंट पेन और लेडीज फीमेल प्रॉब्लम, इन सभी और पाइल्स, कई इस तरह की दवाइयाँ जो जनरल OPD की दवाइयाँ हैं सारी तैयार है। ये हमारा मेडिकल स्टोर है। इसके अलावा हमारे डॉक्टर भी यहाँ पे बैठते हैं और जो भी मरीज को देखने के बाद दवाइयाँ देते हैं। थोड़ा दिखाएंगे जो कौन कौन सी दवाइयाँ किस किस चीज़ में काम आती हैं? जैसे सर ये दवाई है जी, ये कामधेनु दवाई है। ये इसका मतलब जो है अर्बुद रोग, जिसे हम कैंसर भी बोल देते हैं, ट्यूमर भी बोल देते हैं, और हेपेटाइटिस, और दूसरा जो है किडनी प्रॉब्लम, उन चीज़ों में ये दवाई काम करती है, जिसका नाम है कामधेनु अमृत अर्क। और ये दवाई एक साथ अकेली नहीं होती, इसके साथ में जैसे डॉक्टर लिखते हैं उस तरह जो हमारे श्री हनुमान गोपैथी आयुर्वेदी लिमिटेड लाडवा और किसान धाम श्री लाडवा गौशाला, मैन्युफैक्चर बाय श्री हनुमान गोपैथी, मार्केटेड बाय श्री लाडवा गौशाला, जो इनको तैयार करती है। उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद ये दवाइयाँ हम इसको मरीज को प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो रक्त शोधक वगैरह चीज़ें हैं ये क्या? ये जो रक्त शोधक अर्क है, इसके साथ भी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अकेले प्रोडक्ट की बात बताऊँगा मैं, जैसे खारिश, खुजली और स्किन की जो तकलीफ होती है, खून की खराबी जो होती है, उसमें ये काम करती है, इसका नाम है रक्त शोधक अर्क। ऐसे ही आजकल के भागा दौड़ी जीवन में खान पान की उससे भाई मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और BP समस्या, हार्ट बीट बढ़ना, ये चीज़ें आती है, उसके लिए जो है गौमूत्र, लाडवा गौशाला का गौमूत्र अर्क है, जिसे आम आदमी सुबह शाम 10 से 20 ml अपनी सेहत के अनुसार अगर उसको हम बताते हैं ऐसे लेनी है करके ले, तो इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट नुकसान वगैरह है, फ़ायदा ही फायदा है। और जैसे अपनी ये दवाइयाँ हैं, ये भी अपनी क्या करती है, जैसे ये खाद खुजली और इसमें स्किन की जो प्रॉब्लम है उसमें काम करती है। इस तरह के अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इसमें काम करते हैं। और ये ऊर्जा चूर्ण वगैरह जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ की हैं? जैसे ये है जी अपना गौ हरड़े चूर्ण है, जिसके अंदर सौंप, सनाय, हींग और छोटी हरड़ और काली बछिया का गौमूत्र और अरंडी कस्टर्ड ऑयल, जिसे हम खाने वाला अरंडी का तेल बोलते हैं, अजवाइन, उसको उससे ये तैयार करके ये हमने एक हरड़ चूर्ण बनाया है। ये हरड़ चूर्ण जो है गर्म पानी से दो तो जिस आदमी को कब्ज की शिकायत रहती है वो कब्ज ठीक हो जाती है, और उसी तरह अगर ठंडे पानी से अगर इसको ले तो कब्ज की शिकायत जो है उसकी बंद हो जाती है, दस्तों की शिकायत बंद हो जाती है। ये कब्ज में काम करता है, पेट साफ करता है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इसी को दोबारा ठंडे पानी से ले लो तो उसमें उसके पेट में पूरा आराम आ जाता है। उसी तरह ये हमारा है स्टोन क्रेशर चूर्ण, इसके अंदर क्या है मूत्र कुछ पेशाब की नली में जो पथरी फंस जाती है
गुर्दे की जो पथरी है 7 mm से नीचे जो पथरी है, अगर इसको 15 दिन का सेवन कोई भी इसे पथरी से पीड़ित जो है, जो इसमें जो स्टोन से पीड़ित जो जो व्यक्ति अगर ले ले और खूब सारा पानी पिए तो उसे जो है बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसी के साथ में हम देते हैं एक गोकछूर चूर्ण। आमतौर पर क्या होता है, पथरी की दवाई तो हर कोई डॉक्टर देता है, जब पथरी की जो पथरी जब अपनी जगह छोड़ती है तो वहाँ पे घाव जख्म वगैरह वो होना तो एक निश्चित अनिवार्य है। तो उसके लिए हमने है एक गोकछूर चूर्ण, ये जब हम मरीज को साथ में देते हैं तो उससे उसका जख्म भी इन्फेक्शन भी जो है वो सारा पेशाब में, जिसे हम UTI इन्फेक्शन बोलते हैं, वो भी जल्दी ठीक हो जाता है। ये भी हमारे श्री हनुमान गोपैथी और किसान धाम लाडवा गौशाला के प्रोडक्ट हैं। ओके, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका यहाँ पे इलाज किया जाता है? इसके अलावा जी बहुत सारी है, जैसे अपने फेस की है, स्किन खराब हो जाना, ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे जैसे हाँ जी स्टार्टिंग में देखा। हाँ जी हाँ जी जी, ये क्या चीजें हैं? ये गोमय फेशियल बार, ये जैसे आप लगाते हैं मुंह पे लगा लिया और इसमें सौंदर्य के लिए, ये कॉस्मेटिक आइटम में है ये। अच्छा, हाँ ये कॉस्मेटिक आइटम में है। क्या इनका MRP वगैरह कुछ? इनका तो जी कोई, ये डोनेशन शुल्क के हिसाब से मात्र 50 रुपए की है ये। हाँ, ज्यादा नहीं है। ये अपनी नूरमठ है, नूरमठ साबुन है, प्योर मुल्तानी मिट्टी, नीम, तुलसी, आलू, संतरा, अनानास, अमरबेल, पपीता, एलोवेरा, गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी, गाय का गोबर, हल्दी और नारियल का तेल, उससे ये चीज तैयार की गई है। इसको लगाने के बाद जैसे फेस पैक लगाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट चेहरे पे लगाए रखें, उसके बाद गुलाब जल से या फिर पानी से मुंह धो लें और मुंह के अंदर चेहरे के अंदर अलग ही चमक आती है। इसी तरह हमारे पास है जी नीम साबुन, पुदीना पाउडर भी है सर, नीम साबुन है। नीम साबुन जो है स्किन की कोई भी डिजीज हो, अब सर्दियां आ रही हैं, लोग कोई बिजली के पानी से नहाता है, कोई गैस के पानी से नहाता है, गर्मी में स्किन में तेल नहीं लगाते, पहले तेल लगाया करते, अब लगाते नहीं है, स्किन ड्राई होने से खुश्की पैदा हो जाती है, खारिश खुजली हो जाती है, तो उसके लिए नीम साबुन को आप सवेरे शाम लगाइए पूरे शरीर में, और उसके साथ ही जो है तेल लगाइए, अपना गोमय हेयर ऑयल तेल लगाइए, बालों में भी लगाइए और शरीर पर भी लगाइए, तो बहुत ही अच्छे इसके लाभ है। ओके, हाँ जी दोस्तों, ये है सौंदर्य प्रोडक्ट्स। सर एक चीज़ बताइए, जो चीज़ फेस पे लगाते हैं तो उसमें गाय का गोबर क्यों इस्तेमाल किया गया? सर गाय के, हम तो ये कहते हैं जी, अब लोग कहते हैं आप गौशाला में रहते हो गाय के गोबर का प्रचार करते हो, गाय के गोबर के अलावा कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो कोई मतलब इसमें फायदा नहीं करती हो। गाय का गोबर, जैसे गाय के इसमें गऊ के गोबर में 1/2 मण सोना बोला है, वो 1/2 मण सोना इसी तरीके से है, आप खाद के रूप में भी ले सकते हैं, खाने जैसे पंचगव्य के रूप में भी ले सकते हैं और औषधि प्रयोग में भी ले सकते हैं, बशर्ते वो गोबर जो है प्योर, जो जंगल में जो गाय जाती है चरके आती है उनका प्योर उपले का गोबर होना चाहिए। ओके, हाँ जी। तो आपके क्या कोई इस तरह का भी कोई मॉडल है कि कोई फ्रेंचाइजी मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहे, या इस तरह कोई मॉडल है आपका? सर पहली बात तो हमारे पास जो फ्रेंचाइजी है 10-12 फ्रेंचाइजी खुली हुई है, आगे और बढ़ाने का प्रयास है, और हमारी जो लिमिट के अनुसार चीज़ें बनती है, हम क्वालिटी कंट्रोल से समझौता करते हैं, न कि क्वांटिटी से। क्वांटिटी में क्या है, हम कई चीज़ ज़्यादा भी दे देंगे तो वो चीज़ें रिजल्ट मिलना मुश्किल है। कोई हमें ये कहे भी 1000 अरक की गौमूत्र अरक की बोतल हमें चाहिए तो हमारे पास 1 हफ्ते का आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तब वो तैयार होंगी। प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर लेते हैं तो उनको कितने परसेंट? आम तरह से जो देते हैं 30-35% के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, DP रेट है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो एक्स्ट्रा जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उसके जैसे 20,000 का कोई सामान उठाता है तो उसको 30-35% है, कोई 50,000 से 1,00,000 का उठाता है उसको 40% तक डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं। हमारा मकसद ये है भी इस चीज़ का प्रचार हो और जो लागत है वो भी उसका भी गुजारा हो जाए और गौशाला का भी गुजारा हो जाए। ओके, तो दोस्तों ये थे डॉक्टर साहब हमारे साथ, जिन्होंने अपना बिजनेस मॉडल भी बताया और इसके अलावा आप जो है नॉर्मली या जो दवाइयाँ वगैरह है यहाँ पे आके कंसल्ट करके भी यहाँ पे ले सकते हैं। एड्रेस जो है आप सीधा हिसार के अंदर लाडवा गौशाला के नाम से अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। गौशाला का पूरा नाम बता दीजिए। किसान धाम श्री लाडवा गौशाला, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस लाडवा, जिला हिसार, हरियाणा। दोस्तों ऐसा गूगल में लिख के आप सर्च करेंगे तो पूरा आपको जो है एड्रेस यहाँ का मिल जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ दर्द निवारक दवाएं हैं और
हैं। अभी हम चलते हैं दोस्तों प्लांट की तरफ, जो यहाँ पे गैस प्लांट बनाया गया है वो कैसे वर्क करता है उसको भी हम देख लेते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अंदर ही ओपीडी की सुविधा है जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, और यहाँ पे पूरा जो है हॉस्पिटल की तरह है जहाँ पे नेचुरल तरीके से इलाज किया जाता है। और ये दवाइयाँ हैं बहुत सारी हैं मसाज वगैरह के लिए, और नेचुरल तरीके से यहाँ पे किया जाता है। काफ़ी सारे बेड यहाँ पे लगाए गए हैं, और उनके हॉस्पिटल की जो सुविधा दी गई है यहाँ पे। रूम वगैरह का कहाँ अरेंजमेंट है? सामने। ओके, सामने कमरों का भी अरेंजमेंट किया गया है, और पूरा एक तरह से दोस्तों सिर्फ गौशाला नहीं पूरा संस्थान है ये। आयुर्वेदिक तरीके से हर एक बीमारी का जो है इलाज किया जाता है यहाँ पर। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आयुर्वेदिक तरीके से खेती की जाती है यहाँ पे। गौशाला के अंदर जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे जो है गोभी लगाई हुई है, मूली लगी हुई है, और घिया के कुछ पेड़ हैं, वो गाजर लगी हुई है वहाँ पे। ये यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं गाजर वगैरह लगी हुई है। अलग अलग तरह की जो है फसलें नेचुरल तरीके से बनाई जाती हैं। ये जो खाद तैयार की जाती है, क्या डाला जाता है इसमें? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या काम करता है वो? मतलब बैक्टीरिया होता है, इसको खा करके गोबर को खाद में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, यानी एक डीग्रेड तक ले जा करके कंपोज कर देता है इसको। यही खेतों के अंदर इस्तेमाल की जाती है ना? तो ये गैस प्लांट से निकलती है? गैस प्लांट वाले से हम करते हैं, केचुआ खाद बनाते हैं उससे। अच्छा, ये सीधे गोबर से बनाते हैं। तीन चार किस्म से खाद बनाते हैं यहाँ पे हम। ओके, और अभी हम चलते हैं दोस्तों गैस प्लांट की तरफ, वहाँ पे देखते हैं। ये जो चीज़ है ये खाद ही है? अच्छा, हमने तीन, एक इसमें छोड़ते हैं, एक इसमें दस दिन का बीच देखते हैं, तो पहले वाली सूख जाती है, उसको केंचुआ प्लांट में ले जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर गोबर डाला जाता है? इसके अंदर वहाँ से गोबर डालते हैं वहाँ से। हाँ जी। और इसमें क्या इकट्ठा होता है? इसके अंदर गोबर ही होता है, गोबर से गैस बनती है। गैस ये पाइप जा रही है, पाइप के द्वारा रसोई में चली जाती है गैस। ओके, और सैलरी जो निकलती है बाहर ये आ गई, इसको हम फिर इससे फिर केंचुआ खाद बनाते हैं। ओके, और जो लिक्विड होता है उसका कहाँ क्या इस्तेमाल होता है? लिक्विड क्या मतलब? जो तीनों चीज़ें निकलती होगी ना, एक तो जैसे केंचुआ खाद के लिए ड्राई गैस, वो ड्राई गोबर निकल गया? नहीं, ये निकलेगा, इसको सुखाना पड़ेगा। अच्छा, इसको सुखाना पड़ेगा। हाँ। ओके, ये 10-10 दिन का बीच में हम करते हैं, 10 दिन में सूख जाते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा नज़दीक से भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि गोबर डाला जाता है, और इसमें पानी में मिक्स करके इसके टैंक के अंदर जाता है, वहाँ से ऊपर जो है इसमें से गैस निकलती है, और उस गैस का इस्तेमाल जो है रसोई के अंदर किया जाता है। और उधर जो है लिक्विड निकलता है, तो उसको अलग से खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सारी जो फसल वगैरह हैं वो वहाँ पर नेचुरल तरीके से लगाई जा रही हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ में, नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।